जय हिंद स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स की। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स है ये किसके अंडर में हम लोग रीड करते हैं, तो बेसिकली आपका टाइप्स होता है वन डर वाल्स फोर्सेस की हम बात करते हैं। तो वन डर वाल फोर्स आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। वन आपका होता है डिस्पर्सन फोर्स, हम इसके पहले बात कर चुके हैं। सेकेंड आपका है डाइपोल डाइपोल फोर्स, और थर्ड आपका होता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो वन बाय वन हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड हमारा है डाइपोल डाइपोल फोर्स, एक्चुअल में ये फोर्स कैसे होते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो आप हमारे पास फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हमने देखा था, जहां पर हम वंडरवाल फोर्स की बात कर चुके हैं, उस वीडियो का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो वहां पे आप देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका अट्रैक्शन होता है, दूसरा क्या होता है रिपल्सन होता है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारा क्या है डाइपोल डाइपोल फोर्स है। अगर मैं बात करूं इसकी स्टडी के बारे में कि किसने इसके बारे में हमें बताया है, तो हम बात करते हैं साइंटिस्ट आते हैं किसॉम फोर्स, दैट मीन्स किसॉम, इसलिए इनको इनके ऑनर में क्या बोला गया किसॉम फोर्स भी बोलते हैं। जो इनकी स्टडी है, जो इनकी थ्योरी है, कब आई थी 1912 में आई थी। तो यहां पर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें डाइपोल डाइपोल फोर्स तो कब ये होगा, द मॉलिक्यूल्स, यहां पर समझ लीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए, द मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ये अगर हम बात कर रहे हैं फोर्स कहां पर होगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आपके पास होने चाहिए जिसमें आपका परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो। अब जो अगर हम बात करते हैं डाइपोल, तो डाई मीन्स आप जानते हैं क्या होता है, टू होता है, और पोल की अगर हम बात करें तो दैट मीन्स आपका एक क्या होता है पॉजिटिव पोल होता है, और दूसरा क्या होता है आपका निगेटिव पोल होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर हमारे पास क्या मिले, पॉजिटिव और निगेटिव पोल देखने को मिले। अब अगर हम बात करें ऐसे मॉलिक्यूल्स मेरे पास होते कहां पर है, तो कंसीडर कीजिए हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास HCl है, HF है, जहां पर हम देखते हैं टू एटम्स हमारे पास ऐसे हैं कि जिनके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर है। यहां पर भी आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर है, और यहां पर भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर है। तो अगर एक्चुअल पिक्चर देखें तो आपको क्या दिखाई देगा कि हमारा HCl है, बट इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे वो इलेक्ट्रॉन्स एकदम इक्वल में ना होके, दैट मीन्स बीच में ना होके उनका डायरेक्शन, उनका मूवमेंट थोड़ा सा हो जाता है। तो एक्चुअल में आपको जो पिक्चर देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साइड में शिफ्ट हो गए हैं, और जब क्लोरीन के साइड में शिफ्ट हो गए हैं तो इन पर पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, और इन पर क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस से, दैट मीन्स ये आपका ग्रीक वर्ड है डेल्टा, और ये क्या बताता है पार्शियल बताता है कि कंप्लीट सेपरेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन नहीं हुआ है, दैट मींस फॉर्मेशन किसका हुआ है, डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ है। तो जो जब हम बात करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स, तो मीनिंग आपको ये समझना है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर क्या होना चाहिए डाइपोल का फॉर्मेशन हो, और वो जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हो परमानेंट डाइपोल मोमेंट शो करें। ऐसा नहीं है कि किसी इंड्यूस्ड वे में हम बात करें, या ऐसा नहीं है कि किसी टाइम आपका डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है और सर्टेन कंडीशन आप क्या करें रिमूव कर दें तो डाइपोल मोमेंट शो करना बंद कर दें, तो वहां पर ऐसे फोर्स की हम बात करने वाले नहीं है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एक मीनिंग आपको समझना है वो ये समझना है कि देखिए यहाँ पर जो चार्ज आया है नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आया है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ पर जब ये चार्ज है, अब आपको मीनिंग क्या समझना है कि जो चार्ज है और जो आपका ये क्या आया है डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस आया है, ठीक है, दो कंडीशन देखिए, ये चार्ज ऑलवेज हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए। दैट मींस ये जो पार्शियल है ये कंप्लीट सेपरेशन नहीं है,
इस मीनिंग को आपको समझना होगा, ये कंप्लीट सेपरेशन नहीं है एटम्स का। यहां पर मीनिंग ये है कि जो हमारा पार्शियल है वो जैसे एक अभी हम क्या कर देते, अभी हम ब्रेक कर देते H प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पर कंप्लीट जो चार्ज आ जाता क्या आ जाता 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज आपको मिल जाता। बट वो हमें नहीं करना है, यहाँ पर जो चार्ज आएगा कैसा आना चाहिए, पार्शियल आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, पार्शियल आना चाहिए। दैट मीन्स जो हमारा चार्ज होगा वो इससे क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। पहला क्या, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, और जो सेपरेशन हो सेपरेशन कैसा होना चाहिए, सेपरेशन में हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का फॉर्मेशन हो, बट जो चार्ज की वैल्यू हो वो आपकी क्या हो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम से क्या हो, लेस हो। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है एक्चुअल कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, इनकेस हमारे पास टू ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूं कि ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर फोर्स है, तो हमें टू मॉलिक्यूल्स लेना है। आप अपने माइंड में रखेंगे कि हमारे पास क्या है, कंसीडर ये हम एस सी एल ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल्स है, दूसरा हम एस सी एल ले रहे हैं, ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल्स है। तो इनकेस अगर ये हमारा एस सी एल है, अगेन देख लीजिए, और ये भी हमारा क्या है, एस सी एल है। अगर इसकी हम पिक्चर ड्रा करें, मान लीजिए कुछ ऐसे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हमारा H प्लस है और यहाँ पर क्या है Cl माइनस है, और दैट मींस ये जो चार्ज है कैसा है, पार्शियली चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। और उसके बाद क्या देखेंगे, जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल से कुछ उसकी पिक्चर ऐसे है, यहाँ पर हमारा H पार्शियल पॉजिटिव और Cl पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव। तो इनके बीच दैट मींस जब ये दोनों लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे, तो इनके बीच क्या हो जाएगी, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इनके बीच क्या हो जाएगा, एक सिंपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो इनके बीच फोर्स लग रहा है जिससे आपके ये पॉजिटिव और निगेटिव, देखिए क्लोरीन पे निगेटिव है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है। अगर हम अगला मॉलिक्यूल से यहाँ पर ले लें, दैट मीन्स ये आपका ले लें एच पार्शियल पॉजिटिव, ये हमारा क्या है H पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पर क्या है Cl नेगेटिव है, डेल नेगेटिव। तो इनके बीच जो यहां पर फोर्स वर्क करेगा, जो आपके डाइपोल मॉलिक्यूल्स है उनके बीच जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइपोल फोर्स बोलेंगे। जो क्या कर रहा है, डाइपोल मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे में दैट मीन्स बाइंड कर दे रहा है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको ये समझना है, राइट कर दे रहे हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स इज ऑलवेज लेस देन, इज ऑलवेज लेस देन आयन आयन इंट्रैक्शन, आयन आयन इंट्रैक्शन। मीनिंग आपको ये समझना है कि दैट मीन्स ये डाइपोल डाइपोल जो फोर्स आपको देखने को मिलेगा ये लेस होगा किससे, आयन आयन इंट्रैक्शन से। जैसे आप क्या करते कि दैट मीन्स Na प्लस लेते Cl माइनस लेते, आयन आयन का इंट्रैक्शन अगर आप करा रहे हैं तो वहां पर जो हमें फोर्स देखने को मिलेगा, इट मीन्स ऐसा भी हम कह सकते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स इज वीकर, डाइपोल डाइपोल फोर्स इज बीकर देन आयन आयन इंट्रैक्शन। तो हमारा क्या है, एक वीक फोर्स है, बिकॉज ऑलरेडी आप जानते हैं कि वंडरवाल फोर्स ही हमारा क्या है, वीक फोर्स है। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, जो पिक्चर मिलेगी डाइपोल डाइपोल में अट्रैक्शन हो जाएगा, और साथ में क्या मिल जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड हो जाएंगे। फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि यहाँ पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव होगा, कंप्लीट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट थिंग पे, समझते हैं। अब अगर हम बात करें डाइपोल डाइपोल फोर्स, तो यहाँ पर एक स्पेशल टर्म आता है, बिकॉज जब हम अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं HF ले रहा हूं, मैं आपसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था HF ले रहा हूं, और HF की अगर कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, दूसरा HF अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ है आप देखेंगे हाइड्रोजन एटम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स,
तो जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी आपका क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ही है। कैसा है? डाइपोल डाइपोल फोर्स ही है। बट वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे हम बात करें केमिस्ट्री में तो भाई अब वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और बेसिकली केमिस्ट्री में इसका अप्लीकेशन क्या है। तो ये सारी वीडियो भी आपको मिल जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे। अभी आपको क्या देखना है, सिंपल हम डाइपोल की बात कर रहे हैं, जहां पर हाइड्रोजन स्पेशल आपका आ जाएगा वहां पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, बिकॉज आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड तब होता है जब आपका हाइड्रोजन फ्लोरिन से अटैच हो, आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो या हाइड्रोजन आपका नाइट्रोजन से अटैच हो। अगर ऐसी कंडीशन होती है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अलग वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके लिए। अभी हम समझते हैं नेक्स्ट की जो हमारा डाइपोल फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। दैट मींस जब वो हमारा ज्यादा क्लोज होगा तो क्या फोर्स ज्यादा होगा, या उसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स हमारा ज्यादा होगा, वो भी हम बात कर रहे हैं। यहां पर हम कुछ हिडन टर्म की बात करते हैं। द इंट्रैक्शन एनर्जी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल्स। हम ये देखते हैं जैसे आप क्या करेंगे, जो आपके पास डायपोल्स हैं अगर उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। दैट मींस डायपोल्स के डिस्टेंस क्यों क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो आपकी इंट्रैक्शन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। अगला, ग्रेटर द डायपोल मोमेंट। दैट मींस अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं और वहां पर डायपोल मोमेंट क्या है, ग्रेटर है। आप पोलर मॉलिक्यूल, दैट मींस आप जानते हैं डायपोल मोमेंट किस में होगा, हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल में होगा, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर चुके हैं। ग्रेटर द डायपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स। दैट मीन्स अगर आपका डायपोल मोमेंट की वैल्यू ग्रेटर आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, जो उनके बीच फोर्स लगेगा वो भी हमारा ग्रेटर होगा, स्ट्रांग फोर्स होगा। इट मीन्स आप देख सकते हैं जैसे अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, HCl है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव की जो वैल्यू आ रही है ये हमें बताती है कि दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हमारा अटैच हो रहा है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। अगर ये हमारा मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, ये मैग्नीट्यूड कैसा है, ग्रेटर है, तो जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर ये मैग्नीट्यूड हमारा लेस है तो जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, लेस होगा। अब देखिए मीनिंग क्या है, आप कैसे मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप समझेंगे कि आइडेंटिफाई यहां पर हमारा ग्रेटर है या लेस है। तो मीनिंग ये समझना है कि डायपोल मोमेंट, दैट मींस सेपरेशन हमारा ज्यादा कहाँ पर होगा। हमारे पास अगर टू एलिमेंट्स हैं तो इनकी हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करते हैं। अभी मैं अगर सिंपल में आपसे बात करूं, हमारे पास HF है और HCl है, ये यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर निगेटिव आएगा। मैं अगर बोलूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस किस में ग्रेटर है, तो आप बोलेंगे फ्लोरीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी क्लोरीन के कंपेयर क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। अब जब टेंडेंसी ग्रेटर हो गई तो यहां पर जो चार्ज आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसके बीच जो आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स लगेगा वो ग्रेटर होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड के, किसके, कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड के। तो इस बात को अपने माइंड में रख लेना है कि दैट मीन सेपरेशन अगर ग्रेटर होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ग्रेटर होगी तो सेपरेशन ज्यादा होगा, सेपरेशन ज्यादा होगा डाइपोल ज्यादा होगा, और अगर आपका डाइपोल ग्रेटर है तो यहां पर ग्रेटर द डाइपोल आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कहां पर हमारा डाइपोल फोर्स ज्यादा वर्क कर रहा है। नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं, जो हमारे पास डायपोल डायपोल ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर डायपोल डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, आप बोल रहे हैं डायपोल डायपोल फोर्स वहां पे वर्क कर रहा है, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं वहां पर लंदन फोर्स भी वर्क कर रहा है आपका, राइट कर सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स आल्सो इंट्रैक्ट बाई लंदन फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर डायपोल डायपोल भी फोर्स होगा और साथ में क्या होगा, लंदन फोर्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको माइंड में अपने रखना होगा। साथ में एक सिंपल बातें और आपको बता रहे हैं, जो हमारा डायपोल डायपोल फोर्स है ये टू टाइप्स का हो सकता है, एक आपका अट्रैक्टिव हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं एक हमारे पास मॉलिक्यूल्स है
इस पर क्या आया पॉजिटिव आया, इस पर क्या आया नेगेटिव आया, दैट मीन्स यहाँ पर इन केस क्या ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती कि जो अगला मॉलिक्यूल्स है सीएल का यहाँ पर नेगेटिव हो जाए और यहाँ पर क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। ये रेयर केस होती है, आपको माइंड में रखना है, रेयर केस होती है कि अगर इनका ओरिएंटेशन ऐसे हो गया तो यहाँ पर क्या होने लगेगा रिपल्सन होने लगेगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन भी होता है रिपल्सन भी होता है, ऐसी भी सिचुएशन पॉसिबल है, ये भी हो सकती है, बट 99% आप क्या देखेंगे अट्रैक्शन ही आपको देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है और किस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स इसको शो करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।